अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे ई एफ आई आटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स इन यूनिक ऑटो के सेशन नाइन्टी एट में मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ अल्लाह आपको अपने हिफ्जो अमान में रखे और आप सबके कारोबार में अपनी बरकतों और रहमतों का नज़वूल अता फरमाए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूल गेज के बारे में जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि फ्यूल गेज को कैसे चेक किया जाता है कि फ्यूल गेज ठीक है या ख़राब है और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके मीटर में जो फ्यूल गेज की नीडल है अगर वो नहीं ऊपर उठती तो इसमें जो मीटर वाली फ्यूल गेज है इसका फॉल्ट है या जो गाड़ी का जो टैंक है इसमें फ्यूल गेज लगी होती है इसका फॉल्ट है ठीक है और बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर कस्टमर की ये कंप्लेन होती है कि हमारी गाड़ी की जो फ्यूल गेज है वो प्रॉपर काम नहीं करती फ्यूल डलवाने के बावजूद भी फ्यूल गेज जो है वो प्रॉपर जो है फ्यूल शो नहीं करती यानी कि प्रॉपर काम नहीं करती ठीक है दोस्तों तो आज की इस वीडियो में ये सब कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर करूँगा ठीक है और आपको ये गाइड करूँगा कि फ्यूल गेज को बाहर कैसे चेक किया जाता है कि फ्यूल गेज खराब है या ठीक है ठीक है दोस्तों तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल बेलाइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मजीद अच्छी और मालूमती वीडियो पहुंचती रहे तो, तो दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी की जो है वो फ्यूल गेज नहीं उठती ऊपर ठीक है अगर आप स्विच जब ऑन करते हैं अपनी गाड़ी का तो जो फ्यूल गेज होती है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है गाड़ी के टैंक में जितना फ्यूल होता है उस हिसाब से जो गाड़ी की फ्यूल गेज की जो नीडल है जो सुई है वो उस हिसाब से उतना ऊपर उठ जाती है जितना गाड़ी के अंदर फ्यूल होता है टैंक में ठीक है फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपने इग्निशन स्विच ऑन किया है तो आपकी जो फ्यूल गेज की जो सुई है वो ऊपर नहीं उठ रही अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल जो है वो फुल है तो आपकी जो सुई है वो ऊपर जा वो ऊपर तक नहीं जाती दरमियान में ही आकर रुक जाती है ठीक है ऊपर तक नहीं जाती तो आपने दोस्तों क्या करना है दोस्तों आपने अपनी गाड़ी की जो पिछली सीट है उसको उठाकर गाड़ी की पिछली सीट के नीचे दोस्तों फ्यूल पंप फिटिंग होता है अक्सर गाड़ियों का फ... पिछली सीट के नीचे फिटिंग होता है और अक्सर गाड़ियों का जो कंसोल होता है गाड़ी का कंसोल बॉक्स होता है उसके नीचे होता है ठीक है तो आपने क्या करना है कि आपने गाड़ी के इग्निशन स्विच ऑन कर देना है ठीक है और फ्यूल गेज की जो ग्रिप है जो वायर है पिछली सीट पे या कंसोल बोस के नीचे जिधर भी फ्यूल गेज की फिटिंग है आपने उधर से फ्यूल गेज की वायर को उतार लेना है या उसका ग्रिप उतार कर आपने टेस्टर की मदद से या फिर नेगेटिव डायरेक्ट आपने अर्थ देना है येलो वायर को ज़्यादातर गाड़ियों में दोस्तों जो फ्यूल गेज की वायर होती है वो येलो कलर की या वाइट कलर की होती है ठीक है दोस्तों आपने डायरेक्ट अर्थ देना है उस वायर को जो फ्यूल गेज की वायर है जो कि इस मीटर के ऊपर जा रही है ठीक है दोस्तों आप जैसे उसको अर्थ देंगे तो ये फ्यूल गेज की जो सुई है ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगी ठीक है अगर दोस्तों उसको डायरेक्ट अर्थ देने से आपकी ये जो सुई है ये ऊपर उठ रही है फुल ठीक है अगर ये सुई ऊपर जा रही है जितनी देर तक आपने अर्थ लगाया हुआ है ठीक है ये सुई ऊपर अगर जा रही है फिर तो आपकी ये जो आ, मीटर में जो फ्यूल गेज है ये बिल्कुल ठीक है मसला फिर आपका इस गेज में है जो टैंक में फिटिंग है ठीक है अगर दोस्तों आपकी जो आप अगर उसको अर्थ लगाते हैं तो ये हमारी जो सुई है फ्यूल गेज की ये ऊपर नहीं उठती ठीक है तो फिर आपका इसमें इशू है जो मीटर में फ्यूल गेज है ठीक है दोस्तों तो फिर आपकी ये गेज जो टैंक वाली है ठीक होगी ठीक है दोस्तों ये तरीका था इसका गाड़ी की जो मीटर की फ्यूल गेज है इसको चेक करने का ठीक है दोस्तों तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्यूल गेज है जो गाड़ी के टैंक में फ्यूल टैंक में फिटिंग होती है ये फ्यूल गेज इसको कैसे चेक किया जाए कि ये प्रॉपर काम कर रही है या नहीं ठीक है इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने बैटरी से दो वायर लेनी है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ठीक है दोस्तों आप चाहे दोस्तों इस फ्यूल गेज को मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं ठीक है चाहे देसी टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आपने क्या करना है कि बैटरी से दो वायर लेनी है ये दोस्तों मेरी पॉजिटिव वायर है ठीक है ये टेस्टर मैंने पॉजिटिव पर लगाया हुआ है ठीक है और ये मेरी नेगेटिव वायर है ठीक है टेस्टर हमारा ऑन हो रहा है ठीक है ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है ठीक है दोस्तों तो आपने क्या करना है जो फ्यूल गेज की जो ग्रिप है आपने इसका ग्रिप अलहदा कर लेना है तो फ्यूल गेज की दो वायर होती हैं एक इन की और एक आउट की ठीक है दोस्तों आपने क्या करना है कि दोस्तों जो इसकी ब्लैक वायर है उसको आपने अर्थ देना है नेगेटिव ठीक है दोस्तों जो नेगेटिव होता है वो इनपुट होता है और जो जो रेड कलर की वायर होती है वो आउटपुट होता है ठीक है दोस्तों तो आपने क्या करना है दोस्तों जो नेगेटिव वायर है उसको आपने जो फ्यूल गेज की नेगेटिव वायर है उसके साथ लगाना है ठीक है ये मैंने नेगेटिव वायर लगा दी इसकी नेगेटिव वायर के साथ फ्यूल गेज की और टेस्टर को दोस्तों आपने लगाना है जो इसकी आउटपुट की वायर होगी ठीक है दोस्तों इसकी जो आउटपुट की वायर होगी ठीक है रेड कलर की आपने टेस्टर को उस पिन के ऊपर लगाना है ठीक है जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो टेस्टर है वो इसकी जो लाइट है वो बहुत ही स्लो है ठीक है ये क्यों स्लो है क्योंकि दोस्तों हमारी जो फ्यूल गेज है वो फुल नीचे है इस वक्त ठीक है जैसे दोस्तों इस फ्यूल गेज को मैं ऊपर करूंगा आप टेस्टर को देखते जाएं कि टेस्टर की जो रोशनी है वो तेज होती जाएगी ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों तो जैसे दोस्तों मैं इस फ्यूल गेज को ऊपर उठाता जाऊंगा जितनी ये ऊपर जाती जाएगी हमारे टेस्टर की जो रोशनी है वो उतनी ज़्यादा तेज़ होती जाएगी ठीक है दोस्तों तो ये टेस्टर को मैंने इधर इसकी आउटपुट पे लगाया आउटपुट की वायर के ऊपर लगा दिया और दोस्तों जैसे ही ये फ्यूल गेज ऊपर का उठेगी तो आप देख सकते हैं कि जो टेस्टर की जो रोशनी है वो तेज़ होती जाएगी ठीक है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो टेस्टर की हमारी रोशनी है वो फुल तेज़ हो गई है ठीक है यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारी जो फ्यूल गेज है फुल हो गई है ठीक है यहाँ पर एंड हो गया इसका और हमारी जो टेस्टर की रोशनी है वो फुल तेज़ हो गई है ठीक है दोस्तों तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ये फ्यूल गेज है बिल्कुल ठीक है इसके दरमियान जो चिप लगी हुई है बिल्कुल सही काम कर रही है ठीक है दोस्तों ये तरीका है इस फ्यूल गेज को चेक करने का ठीक है अगर दोस्तों हमारी फ्यूल गेज दरमियान में आकर या अगर फुल पे जाने पे भी उसकी लाइट टेस्टर की तेज़ नहीं होती तो इट मीन हमारी जो फ्यूल गेज है ये ख़राब है या फिर इसके ऊपर जो या फिर दोस्तों इसके ऊपर अगर कार्बन आ जाए ठीक है इसके ऊपर अगर कचरा आ जाए तो फिर भी हमारी फ्यूल गेज है वो प्रॉपर काम नहीं करती अगर दोस्तों इसके फ्रूट को ऊपर उठाने से आपके टेस्टर की जो रोशनी है वो तेज़ नहीं होती तो आप इस गेज की जो चिप है इसको साफ करके देखें अगर दोस्तों इसकी चिप साफ करने से फिर भी हमारे टेस्टर की रोशनी तेज़ नहीं होती तो इट मीन आपकी ये गेज ख़राब है ठीक है दोस्तों बाज़ ऐसा भी होता है कि दोस्तों इसकी जो चिप है ये डैमेज हो जाती है ठीक है इधर से डैमेज हो जाती है इसके जो छोटे छोटे पॉइंट हैं अगर ये डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो फ्यूल गेज है वो प्रॉपर काम नहीं करती और प्रॉपर फ्यूल वो शो नहीं करती ठीक है तो दोस्तों ये तरीकाकार था इस फ्यूल गेज को चेक करने का उम्मीद है कि दोस्तों आपको मीटर की जो फ्यूल गेज है इसके बारे में भी और गाड़ी के टैंक में जो फ्यूल गेज है इसके बारे में भी समझ आ गई होगी कि इनको कैसे चेक किया जाता है ठीक है और कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये फ्यूल गेज हमारी ख़राब है या ठीक है ठीक है दोस्तों दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल बेलाइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद अच्छी और मालूमती वीडियो पहुँचती रहे तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों